में, में एयरपोर्ट के पास में कितना क्राउड क्राउड रहता रहता है? उसी है। बिल्कुल प्लानिंग के तहत हम इस सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले टाइम पे कोई भी यहाँ पे ट्रैफिक का मामला ना हो तो भैया लाइट का काम कर का का दिया है पानी की सुविधा पहले, पहले दिन से ही आपको मिलेगी जो ईंटें आप देख रहे हैं ये आपको सीवरेज का, का काम के लिए दिख रही हैं बाकी का पाइपलाइन पूरी तरीके से पड़ चुकी है अंदर से इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेबर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है बाकी का यूनिवर्सिटी अगर बात करें कि एजुकेशनल हब कहाँ पे है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसी रूट पे पड़ती है हमने एक्सप्रेस वे पर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पड़ती है नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बिजनेस योद्धा चैनल में दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल रहे स्पेशल रहेगा रहेगा इसलिए तो क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉपर्टी वो भी एकदम ऑन हाईवे हाईवे से अगर मैं बात करूँ मात्र यहाँ से जो आपकी दूरी है वो जीरो किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा जस्ट आपको लेके आया मैं एस ग्रुप श्री श्याम टाउनशिप के पास जहाँ पे आपको यहाँ पे जो आपको जड़ से मकान मिलेगा साथ में अगर साइज़ की बात करूँ तो तरह तरह के साइज मिल जाएंगे छोटे साइज से लेके बड़े तक सारे साइज अवेलेबल रहेंगे सीधा आपकी मुलाकात करवाता हूँ यहाँ के से सर स्वागत है आपका कैसे आप हमारे धन्यवाद सर मैं बढ़िया हूँ सर सर जो है ना पिछले कई सालों से यहाँ पे प्रॉपर्टी काट रहे हैं इनकी बहुत सारी साइटें लॉन्च हो चुकी है तो सीधा इनसे ही बात करते हैं तो भैया अभी तक कितने प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर चुके हैं और ये कौन सा प्रोजेक्ट है ये फिलहाल हमारा जो हमने काम किया है वो लोकल में काम किया हुआ है जी अभी फिलहाल हम जेवर एयरपोर्ट के पास में खड़े हैं बिल्कुल इमना एक्सप्रेस पे खड़े हुए हैं जी इससे लगा हुआ हमारा प्रोजेक्ट है जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा श्री श्याम टाउनशिप के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है एस एस ग्रुप नोएडा करके हमारी ट्रेडमार्क है अच्छा जी जी तो ये जो हाईवे है मतलब लोकेशन भी एक बार थोड़ा सा डिटेल करजिए कि लोकेशन क्या रहेगी यहाँ पे और बाकी फिर चलते हैं साइड बिल्कुल हैं। सर मैं बताना चाहूँगा जो हमारा एक्सप्रेसवे है ये एमना एक्सप्रेसवे है जो कि परी चौक से स्टार्ट होता है जी सीधा आगरा तक जाता है और हम लोग फिलहाल खड़े हैं टप्पल कट से थोड़ा सा आगे आएंगे दो से तीन मिनट के डिस्टेंस पे खड़े हैं बिल्कुल एक्सप्रेसवे से बाकी का सर्विस लाइन से लगा हुआ हमारा हमारे बिल्कुल तो आप मैं अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो आप डिस्टेंस देखिए ये बगल में है आपकी साइड जहाँ पे होने वाला है आपका सपनों का आसियाना और ये रहा मेन रोड जहाँ पे आप आराम से ये देखें ऑटो वगैरह भी यहाँ पे चलते हैं हाईवे के ऊपर जो बिल्कुल आपके लोकेशन पे छोड़ के जाएंगे बाकी जब आप रोड पे आते हैं तो रोड वगैरह बहुत ही प्यारे मिल जाते हैं शानदार वेडियो रहने वाला है आपको प्लॉट ऐसे दिखाऊंगा आपको यहाँ पे किस्ते भी प्रोवाइड कराऊंगा कैश में भी करवाऊंगा लोन भी सारी चीज़ें आपको दिलाऊंगा सीवर पानी लाइट सारी सुविधाओं के बारे में एक पॉइंट एक एक करके बात करते रहेंगे तो चलिए लेके चलता हूँ आपको साइट के अंदर और बारीकी से आपको बताता हूँ इस जमीन के बारे में कि हम लोग अभी आ, आ चुके हैं इमार एक्सप्रेस से उतर के बिल्कुल सर्विस लाइन से लगा हुआ हमारा प्रोजेक्ट है ये जो सर्विस लाइन आप देख रहे हैं जी ये साठ फुट की सर्विस लाइन है जो की परी चौक से पैदल चली आ रही है सीधी आगरा तक गई हुई है अच्छा इसे सर्विस लाइन से लगा हुआ हमारा प्रोजेक्ट है आप देख पा रहे होंगे बिजली की सुविधा पहले दिन से आपको यहाँ पे मिल जाती है बाकी का गेट से गेटेड टाउनशिप है जिसमें आपका मेन रोड जिस रोड पे हम आप दिखा रहे हैं ये चालीस फुट का मेन एंट्रेंस रोड रहेगा चालीस फुट का जी ठीक है बाकी का सामने आप देख रहे हैं सिक्योरिटी की सुविधा पहले दिन से आपको यहाँ पे मिलेगी ताकि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठेंगे जो आगे इन फ्यूचर गाड़ी को चेक करके या कोई आ जा रहा है तो ऐसे आएगा के लिए बनाया गया है एक तरफ से इन होगा एक तरफ से आउट होगा क्योंकि है क्या कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है बर्ड का चौथे नंबर का एयरपोर्ट एयरपोर्ट बन रहा है आप भी समझ रहे हैं आगे आने वाले टाइम पे कितना क्राउड यहाँ पे आने वाला है जैसा कि आपने देखा होगा दिल्ली में महपालपुर एयरपोर्ट के पास में कितना क्राउड रहता, क्राउड रहता है बिल्कुल क्राउड उसी, रहता है। प्लानिंग के तहत हम इस सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले टाइम पे कोई भी यहाँ पे ट्रैफिक का मामला ना हो तो भैया हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पे आप रहने के लिए लेंगे तो बलिया बढ़िया है अगर इन्वेस्टमेंट से लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया मुनाफा होने वाला है सर बिल्कुल क्योंकि आप... भैया ने हिंट दे दिया क्योंकि जेबर एयरपोर्ट पास ही में है और आपकी प्रॉपर्टी ना कब रेट बदल जाएगी आपका अगर दस लाख के लेंगे कब वो वीस पच्चीस तीस लाख की हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल सर तो इन्वेस्टमेंट चलिए साइड पे चलते हैं साइड पे और देखते हैं वीडियो के अंदर तो दोस्तों हम लोग साइड पे आ चुके हो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारा काम मतलब तेजी से चल रहा है देखेंगे रोड के बीच में गड्ढा पड़ा हुआ अभी गड्ढा क्यों पड़ा हुआ है ये मसाला क्यों पड़ा हुआ है ईट क्यों पड़ी हुई वो भैया इसे जानते तो भैया ये गड्ढे का क्या कारण है कि रोड पे पानी ज्यादा भर गया है या किस लिए आपने यहाँ पे गड्ढा कलर का है? पानी नहीं भर गया एक्चुअली क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट में सीवरेज का काम चल रहा है इसी पर्पज से ईटे पड़ी हुई है सीवरेज का काम जस्ट अभी बारिश के चक्कर में रुक गया हल्का सा बाकी का जैसे ही बारिश हल्की हो जाएगी वैसे यहाँ पे सीवरेज का काम हो जाएगा पूरा का पूरा लाइट का काम कर दिया है पानी की सुविधा पहले पहले दिन से ही आपको मिलेगी जो ईंटें आप देख रहे हैं ये आपको सीवरेज का काम के लिए दिख रही हैं बाकी का पाइपलाइन पूरी तरीके से पड़ चुकी है अंदर से इसको कवर करने के लिए ईंटें पड़ी हुई हैं तो मतलब कि फर्स्ट डे से जब आदमी यहाँ पर मूव करता है आएगा यहाँ पर तो उसको लाइट मिल जाने वाली है पानी मिल जाने वाला है सीवर की सुविधा मिल जाने वाली है किसी तरह और सबसे बड़ी बात गेटेड सोसाइटी मिलेगी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड को रखने की व्यवस्था की जा रही है तो ये सब व्यवस्था आपको मिलेंगी कहाँ पे? जेवर एयरपोर्ट के पास में जेवर एयरपोर्ट के पास सोसाइटी का नाम रहेगा श्री श्याम टाउनशिप श्री श्याम टाउनशिप और साइजेस यहाँ पे अगर साइजेस की बात करूँ तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे लेकिन भैया जैसे है बाकी का जो गलिया हैं वो तीस फुट की भी है पच्चीस फुट की भी है पच्चीस मतलब पच्चीस भी पच्चीस तीस फुट भी बहुत ही बढ़िया होता है जिसमें आप आराम से दो तीन गाड़िया आपके आराम से निकल जाती है साइजेस की बात करेंगे तो साइजेस क्या क्या प्लॉट के आप यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे सर अगर प्लॉट की साइज की बात करें मिनिमम पचास गज से हमारा स्टार्ट होता है पचास गज बाकी का डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर पचास गस, गज सौ गज़ पचहत्तर गज दो सौ गज तीन सौ गज चार सौ गज पाँच सौ गज जितना लेना चाहें उतना हमारे पास अवेलेबल है ले सकते हैं मतलब कम से कम आप पचास गज़ यहाँ परचेज कर सकते हैं आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा लोग कहते हैं कि आ, हाईवे से सटा हुआ मकान देंगे एक्सप्रेस वे सटा हुआ मकान देंगे कोई नहीं दे पाता आपको लाइव दिखाता दो मैं ये देखिए रोड से अभी जस्ट हम एंटर किए हैं जस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा और बाउंड्रीज आप देखें यहाँ पे पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से काम चल रहा है आपको जैसे वीडियो में दिखाया कि सीवर का काम होने वाला है तो सीवर के लिए भी वहाँ पे पाइप पे पड़ चुकी हैं पानी आपको मिल चुका और ये जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पे खंबे भी लगे हुए हैं तो आपको यहाँ पे लाइट की व्यवस्था मिल रही है साथ में देखेंगे यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी की गई है कि आपको स्ट्रीट लाइट देगी ये यहाँ पे गोलचक्कर डेवलप कर रहे हैं सर बिल्कुल सर अच्छा एक बार ये सीवर सीवर देखते हैं सीवर कितना गहरा आप बना के दे रहे हैं ये ये सीवर का ही है बिल्कुल ये सीवर का है सर देखिए पे कंप्लीट हो चुका है वो फर्स्ट रोड है सर हाँ, वो आपने बताया था कि पानी बरसने की वजह से आपने वो काम को रोक दिया वरना देखिए देखिये यहाँ पे पूरा सीवर का काम हो चुका है और ये देखिए यहाँ पे कितने गहराई से यहाँ पे सीवर जाएगा का इसकी सफाई वगैरह होगी पूरे प्रॉपर तरीके से और जैसे की बारिश की वजह से काम रोक दिया गया है दोस्तों किसी भी जमीन को खास क्या बनाता है खास बनाता है उसके पास में मिलने वाली सुख सुविधाएं और सुख सुविधाएं अगर आपकी जमीन के पास नहीं है तो फिर आपको उसके लिए करना पड़ता है स्ट्रगल लेकिन बिजनेस सुविधा यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो आप देखते हैं वो बहुत ही बढ़िया वीडियो होती है जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर पास पास कौन कौन सी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी हाईवे आपको दिखा दिया बाकी यहाँ की और क्या यूएसपी रहेंगी वो हमारे भैया जी आपको फिर से वापस से बताएंगे भैया यूएसपी क्या रहने वाली क्योंकि बहुत ही जरूरी हो जाता है कोई भी अगर आप जमीन लेते हैं क्योंकि जमीन लेकर तो आदमी कहीं भी रह सकता है सकते खेत में घर बना लिया आप रह सकते हैं लेकिन जरूरत पड़ती है उसकी सुख सुविधाओं की लाइट आपने दे दिया पानी आपने दे दिया ये तो आपने सोसाइटी में करके दे दिया बाकी कुछ और यू सर यहाँ के सबसे मेन यू जो है हमारे प्रोजेक्ट की एक तो इमना एक्सप्रेस से जस्ट लगा हुआ सर्विस लाइन से लगा हुआ प्रोजेक्ट है ठीक है और जो सबसे बड़ा क्लू है यहाँ का जेवर एयरपोर्ट जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो कि यहाँ पे आ रहा है बन रहा है फिलहाल काम चल रहा है उड़ान भी 2024 में होने वाली है बाकी काम मैं बताना चाहूँगा ये जितनी भी यूएसपी हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेबर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है बाकी का यूनिवर्सिटी की बात करें कि एजुकेशनल हब कहाँ पे है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसी रूट पे पड़ती है हमने एक्सप्रेस वे पे, पे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पड़ती है शारदा यूनिवर्सिटी पड़ती है अगर बात करें कि आगे आने वाले टाइम पे रोजगार के लिए बंदा जब यहाँ पे, पे रहेगा बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि घर के आस पास ही अगर रोजगार मिल जाता है ना तो आदमी कमाने के लिए ही बाहर जाता है बिल्कुल वो कहाँ जाएगा उसके लिए सैमसंग की कंपनी वीवो की कंपनी ओप्पो की कंपनी इसी एक्सप्रेस वे पर प्रपोज है सारी चीज़ें यहाँ पे हैं बाकी का बात करें हमारे जो और चीज़ें प्रपोज है जैसे फिल्म सिटी सेक्टर इक्कीस लगता है पूरा पूरा एक हज़ार एकड़ में फिल्म सिटी प्रपोज है फार्मूला बन हो गया पोर्ट टैक्सी हो गई जो कि अपकमिंग है टोय सिटी हो गई नाइट सफारी जगह भी इसी एक्सप्रेस में पड़ती है और मेट्र, मेट्रो मेट्रो कोचेज़ हैं ये मेन यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की बाकी का तो और तो अगर मैं एक... कहूँ सीधे शब्दों में जेवर के पास आप दिल्ली बसा रहे हैं बिल्कुल जेवर के पास आप दिल्ली बसा रहे हैं सारी सुख सुविधाओं के साथ में दे रहे हैं आपको एफ एन डेज टैक्सी फिल्म सिटी मेट्रो एयरपोर्ट कॉलेज और अगर बात करूँ कंपनी सब चीज़ें आपको मिलेंगी आपके घर के पास घर वो होगा जो आपके सबसे सबसे पहले आपके सपने पूरे करेगा सपने पूरे करने के बाद आपको रोजगार भी प्रोवाइड कराएगा नियर अबाउट है जैसे भैया ने बताया कंपनी वगैरह भी, भी अवेलेबल है बाकी स्कूल कॉलेजेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं मंदिर वगैरह की एक जो है क्योंकि मंदिर वगैरह साइड पे रहता है तो मंदिर वगैरह सोसाइटी सर सोसाइटी में ही हम मंदिर दे रहे हैं जी सोसाइटी में मंदिर है आपका पाँच पार्क है ताकि आगे आने वाले टाइम पर कोई भी बंदा कहीं जाए ना पार्क में अपना पूरा सर्व सुख है तो सोसाइटी में मंदिर आपको पूरी तरीके से मिलेगा कम्युनिटी सेंटर मिलेगा कोई छोटा मोटा फंक्शन करना हो बर्थडे किसी का सेलिब्रेशन करना कहाँ जाएंगे क्योंकि गेटेड टाउनशिप है इसी में सारी चीज़ें मिलेंगी आपको तो सर बातें तो हमने बहुत सारी बता दी मतलब ठीक है एक अच्छा खासा घर और अच्छी खासी सोसाइटी बता बता दी है अब मेरे दोस्तों के मन में सवाल जरूर आ होगा यार सब चीज़ें मिल रही है मेरे को जल्दी से लेने लेकिन लेने के लिए प्राइस क्या रखा है आपने कैसे आदमी आपसे जोड़ सकता है कैसे आपसे परचेज कर सकता है क्या पेमेंट रहने वाली है क्या? सर जो हमारा प्लॉट का जो रेट रहता है वो 9000 से लेके 11000 तक का रेट है हमारा जी और आसान सी किस्तों पे है और वो इजीली पे भी कर सकते हैं कोई भी कस्टमर आके हमारे यहाँ पे पेमेंट प्लान ले सकता है प्लॉट ले सकता है इजीली ई की कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है क्योंकि थर्टी परसेंट हमारा डाउन पेमेंट रहता है बाकी का रेस्ट अमाउंट जो बचता है वो किस्तों में चला जाता है उस पर बारह से चौबीस महीने का टाइम देती है कंपनी उस पर कोई ब्याज नहीं रहता है ब्याज मुफ्त वो होती है अगर कोई कस्टमर पचास पेमेंट करता है उसके नाम पर रजिस्ट्री हो जाती है उसके नाम पर चला जाएगा प्लॉट बाकी का जो पचास बचेगा वो किस्तों पर दे सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आपको मतलब कितनी सुख सुविधाओं के बीच में आपके लिए सोसाइटी बता के दी जा रही है साथ में बात करूँ बसावट की तो देख सकते हैं आप वहाँ पे मंदिर और बसावट सब कुछ वहाँ पे इलाके में मिल जाएंगे पूरा एरिया बस चुका है कुछ सोइटी अवेलेबल हैं अभी जैसे भैया ने आपको बताया नौ हज़ार रुपये गज से आपको यहाँ पे ज़मीन मिल जाएगी अब वो क्यों मिल जाएगी नौ हज़ार रुपये गस्त से ज़मीन इसलिए मिल जाएगी क्योंकि कहीं पे भी आप कोई साइड लेते हैं ना प्रॉपर्टी अगर जड़ से लेते पहली बार जहाँ नई बसावट हो रही हो तो वो रहता है प्लॉट सस्ता अभी यहीं पे कोई आदमी ले लेगा इसको रीसेल करेगा ना तो वो पंद्रह का, का करेगा तो आपको में सर यहाँ पे तो गवर्नमेंट के सर्कल रेट जो है वही बढ़ते हैं डे बाई डे जब से एयरपोर्ट का शिलाने, हुआ है तब से गवर्नमेंट के सर्कल रेट ही बढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल क्योंकि हर महीने दो महीने तीन महीने में सर्कल रेट रिवाइज हो रहे होते रहते हैं उसी व्याप पे हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट के व्याप पे हमारे जो रेट होते हैं वो हैक होते रहते हैं अच्छा, और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो पत्थर पड़े हुए थे सोसाइटी पे रोड बनाने के लिए ये डाले गए थे जी जैसे ही रोड बन जाएगा वैसे सोसाइटी का रेट भी बढ़ जाएगा रेट बढ़ जाएगा जी और देखेंगे यहाँ पे जो गली के किनारे किनारे आपको पेड़ पौधे यहाँ पे व्यवस्था करके दी जा रही है आने वाले में आने वाले समय में ये पेड़ पौधे आपको जब यहाँ पे व्यू लेंगे ना या किसी रिश्तेदार को आप अपने घर बुलाएंगे तो आपको लगेगा की आपने किसी अच्छी सोसाइटी बनाया आपको बहुत ही ज्यादा इसका आनंद प्राप्त होगा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साइजेस देख लीजिए यहाँ पे भैया ने बताया पचास स्टार्ट हो जाते हैं किस किस्तों पे भी आपको प्लॉट मिल जाएगा अगर किस्तें चाहिए तो किस्ते पे भी प्लॉट मिल जाएगा पाँच साल तक की किस्ते आप आसानी से ले सकते हैं जिसके अंदर आपको एक रुपये ब्याज नहीं देना होता आपको यहाँ पे स्कूल कॉलेज मिल जाएंगे जेवर एयरपोर्ट पास में मिल जाएगा हाईवे मिल जाएगा मंदिर मिल जाएगा तो मतलब ऑल और, और लाइट पानी जो सबसे अहम है डेली यूज में आता है लाइट और पानी वो भी आपको यहीं पे मिलने वाला है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रेट वगैरह जानने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं उस पर कॉल कर लीजिएगा भैया आपको प्रॉपर यहाँ पे लोकेशन भी दिखाएंगे और, और कोई एक, डाउट रहता है एक तो एक एडिशनल ये है कि जैसे भी किसी को साइड विजिट करना है कस्टमर को हम घर से गाड़ी की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड मतलब क्या बात कर रहे फैसिलिटी फ्री है दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें एक दिन पहले बताएं अपनी गाड़ी बुक कराएं और घर से पिकअप होगा घर से ही ड्रॉप हो जाएगा तो देखिए दोस्तों मतलब कुल मिला के अगर सुविधाओं की बात करें तो एक सुविधा भैया ने और ऐड कर दी आपको घर से पिक एंड ड्रॉप होगा आप साइड विजिट करना चाहते हैं क्योंकि तो तो वीडियो में तो आपको दिखा दिया गया अब दिखाने बाद अब जब लाइव भी देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे वही चीज़ें नजर आने वाली हैं और कितनी अच्छी सोसाइटी बचेगी वो आप लाइव आके देख सकते हैं भैया आपको पूरा ऑप्शन देते हैं कि पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी आपको दे रहे हैं रेट बेनिफिट दे रहे हैं किस्तों में दे रहे हैं पाँच साल की सर्विस दे रहे हैं बाकी लाइट पानी सुविधा सब कुछ मिलने वाला है जल्दी जल्दी स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और एक दिन पहले अपनी कैब को बुक करें ताकि आपको सेम डे पिक करके यहां पर साइड विजिट कराया जा सके वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि इतने सस्ते रेटों पर आज अगर आप नौ हजार ग्यारह हजार रुपये गज में जमीन ले लेते हो जेर और पेट जब स्टार्ट हो जाएगा जब यहां पर फ्लाइंग स्टार्ट हो जाएगी उस समय इसकी कीमत ग्यारह हजार रुपए गज नहीं रहेगी उस समय आप सोचिए कि कितना ज्यादा मुनाफा आप इस अपनी जमीन से बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय